हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन चैप में। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच नंबर 9, जो कि गुजरात वुमेन और दिल्ली वुमेन के बीच। दोस्तों, ये मैच आज शाम 7:30 बजे दोस्तों डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेला जाने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहाँ पर मतलब यार देखो, वुमेन्स की टीम आप देखो खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, अब यार देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार देखो अब आप मतलब लोग यार देखो सभी प्लेयर्स का देखो रोल भी पता है, और देखो सबको ये भी पता है कि दोस्तों किस प्लेयर को देखो हमें टारगेट करके चलना है। ठीक है, बाकी यार फिर भी मैं आपको जो देखो वीडियो में टीम दूंगा, आप चाहो तो दोस्तों देखो सेम टीम के साथ देखो अभी से ही आप देखो कॉन्टेस्ट रन करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर तक के लिए खेल रहे हो तो देखो यार मेरी टीम से आप देखो इजीली क्लीनशिप कर पाओगे। ठीक है, प्लस में दोस्तों मैं आपको CVC का भी देखो ऑप्शन दूंगा, जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस में दोस्तों वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी है, जो कि यार देखो सीधा टर्मेंट कंडीशन है। दोस्तों देखो यार, जो भी फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करने वाला दोस्तों देखो टॉप 5 कमेंट को देखो हमारी ओर से आपको देखो गिवअवे प्राइज के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है कि दोस्तों 200 व्यूज तो यार देखो हमारे वीडियो पे देखो आने ही चाहिए, मतलब सबसे कम है यार 200 व्यूज। देखो यार कोई बड़ी बात नहीं है, बट दोस्तों यार आपका सपोर्ट समर्थन आता है तो भाई देखो फिर यार हमें भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर यार देखो वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर यार देखो गिवे करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो भाई मेरे सपोर्ट करो यार। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का अगर मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई देखो मेरे उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ज्वाइन करने का आपके लिए बेनिफिट है कि दोस्तों यहाँ पर आपको सभी टीमें है ना लगभग फ्री में मिलती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपसे हम लोग कोई प्राइम फी नहीं लेते, और कोई भी आपको देखो टीम के लिए कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। यहाँ पर आपको सभी स्पोर्ट्स की टीमें ना बिल्कुल फ्री में मिलती है, और यहाँ पर आप खेलकर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाकी चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, डायरेक्ट दोस्तों मैं यहाँ पर मैच कराता हूँ। दोस्तों ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच नंबर 9 रहेगा, जो कि 11 मार्च शाम के 7:30 बजे डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेला जाने वाला है। अगर यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात कर लूँ तो दोस्तों ओवरऑल तो देखो यार ये पूरी वुमेन्स IPL देखो बैटिंग फ्रेंडली ही रहने वाली है, क्योंकि यार देखो यहाँ पर ईजिली देखो यहाँ पर बाउंड्री लगती है, और जो भी बाउंड्री का मतलब एरिया है काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर देन अगर बॉलिंग की बात करूँ तो दोस्तों इस पिच पे आपको देखो एक स्पिनर आपको फ्रेंडली पिच दिखने वाली है, उतना भी नहीं, बट दोस्तों देखो यहाँ पर फास्टर के मुकाबले देखो यहाँ पर आपको स्पिनर को थोड़ा सा देखो ज़्यादा यहाँ पर मतलब मैच पिच से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अपनी टीम में देखो स्पिनर बॉलर को देखो ट्राई करके चलना। अगर यहाँ पर पिच की रिकॉर्ड की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर टोटल अभी तक 37 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पर 17 बार मैच विन किया है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने दोस्तों यहाँ पर 20 बार मैच को विन किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रन चेस करने वाली टीम थोड़ा यहाँ पर आपको इजिली मैच में डोमिनेट करते हुए दिख सकती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स एक स्ट्रॉन्ग टीम आपको दिखने वाली है। ठीक है, और अगर एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 160+ के अराउंड यहाँ पर आपको इजीली स्कोर बनता हुआ इस मैच में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीमों की टीम क्या रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात वुमेन्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली। तो दोस्तों यहाँ पर इजीली अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि देखो कुछ भी चेंजेस यहाँ पर टीम की ओर से की जाने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एस मेघाना और सोफिया डंगले, जो कि लास्ट मैच में दोस्तों 65 रन के दोस्तों काफ़ी विस्फोटक पारी खेली थी, दोस्तों देखो वो दोनों ही ओपनिंग करने आएगी। नंबर 3 पे हरलीन दोहल, जिन्होंने दोस्तों लास्ट मैच में देखो ये भी मतलब काफ़ी अच्छी पारी खेली थी 67 रन। ठीक है, जो देखो यार ऊपर के जो दोनों ही आपके लिए बैट्समैन है काफ़ी ज़्यादा देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, आप यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नंबर 4 पे एशले गार्डनर, देखो इनके बारे में यार कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आपको बैटिंग भी करके दे देंगी, बॉलिंग भी करके देंगी, और 3 मैच में दोस्तों इन्होंने 4 विकेट भी निकाला है। लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने 3 विकेट लिया था। तो दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ही रहेंगी। अगर आप इन्हें ड्रॉप करते हो तो फिर दोस्तों आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे दयालन हेमलता 3 मैच में 66 रन, देखो ये बॉलिंग नहीं करती तो मैं आपको ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि आप इन्हें स्मॉलिंग में ट्राई करना। ठीक है, आपके लिए देखो ग्रैंड लीग की 1-2 टीमें आप देखो ट्राई करना, उस वही के लिए बहुत है इनके लिए। देन गाइस यहाँ पे एनाबेल सदरलैंड 3 मैच में 28 रन, प्लस में 3 विकेट, देखो बैटिंग तो ये देखो ज़्यादा नहीं करती, बट दोस्तों बॉलिंग में आप इन्हें देखो पूरा 4 का 4 ओवर आप इन्हें मतलब करने वाली है। और दोस्तों देखो ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करती हैं। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे इनके कैप्टन
स्नेह राणा 3 मैच में 12 रन प्लस में 2 विकेट। दोस्तों ये टीम के स्पिनर रहेंगे, और अगर आपको ट्राई करना हो तो आप इन्हें देखो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जानकारी जहाँ पे किम राज जानकारी देखो, इनके पास पेस बहुत है, मतलब यार इनके पास गति है, और पहले मैच में दोस्तों इन्होंने 5 विकेट निकाला था, बट दोस्तों लास्ट मैच में दोस्तों इन्हें विकेट नहीं मिला। बट दोस्तों प्लेयर देखो काफ़ी ज़्यादा सही हैं, और देखो जनता तो देखो इन्हें ड्रॉप करके चलने वाली है, बट दोस्तों मैं मतलब पर्सनली बोलूँगा कि आप अपनी टीम में ट्राई करना। इनके पास दोस्तों सुषमा वर्मा जो कि दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन रहेंगे, इनकी यार देखो ज़्यादा बैटिंग आती नहीं है, क्योंकि यार देखो इनकी बैटिंग काफ़ी लोअर ऑर्डर में, तो आपको देखो ये कैच आउट प्लस में स्टंपिंग का भी देखो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, बाकी आप इनसे ज़्यादा बैटिंग की उम्मीद मत ही करना। इनके पास दोस्तों मानसी जोशी 3 मैच में 2 विकेट, और फिर दोस्तों यहाँ पर तनुजा कनवर लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर 3 मैच में केवल 1 विकेट। तो दोस्तों ये रहेगी आपकी गुजरात की फुल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दोस्तों यहाँ पर शेफाली वर्मा के साथ आपको मिग लेनी ओपनिंग करते दिखेंगे। दोस्तों शेफाली वर्मा बैक टू बैक मैच देखो इनका बल्ला अभी तक शांत रहा है, बट देखो प्लेयर कभी भी वापसी कर सकती है, ठीक है। मैग लेनिंग काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। नंबर 3 पे एलिसा कैप्सी जो कि बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों करके देंगे। यहाँ पर आप इनका रिसेंट फॉर्म आप चेक कर सकते हो, 3 मैच में 3 विकेट और 3 मैच में 27 रन, ठीक है। नंबर 4 पे दोस्तों एम कप जो कि बैटिंग बॉलिंग दोस्तों ये भी पूरा करके देंगे आपको। यहाँ पे जेमिया रोड्रिग्ज जो कि आपको देखो केवल आपको ये बैटिंग करके देंगे, ठीक है। अगर आपको इन्हें ट्राई करना चाहे तो आप देखो आप इन्हें 4 मेंबर वाली लीग में आप देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जेस जॉनसन आपके लिए देखो एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रहेगी, क्योंकि यार देखो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है, और लगभग आपको देखो हर मैच में ये आपको दोस्तों देखो इजीली विकेट निकाल के भी देंगे, ठीक है। और स्पिनर है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखो मैच में बना के रहेंगे। इनके अलावा दोस्तों तानिया भाटिया टीम की विकेट कीपर बैट्समैन, बैटिंग दोस्तों इनकी भी नहीं आती, जैसे सुषमा वर्मा है वैसे ये है। और दोस्तों देखो आप इनसे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना, आपको मतलब आपको केवल ये रन आउट स्टंपिंग और कैच का देखो पॉइंट देते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीनू मानी लास्ट मैच में खेली थी, बट दोस्तों अभी तक इन्होंने विकेट नहीं लिया। और फिर दोस्तों यहाँ पे राधा यादव जो कि दोस्तों इन्हें यार देखो ज़्यादा बॉलिंग मिलती नहीं है, 2 से 3 ओवर ही मिलता है, और दोस्तों अभी तक इन्होंने 3 मैच में अभी तक एक भी विकेट ली नहीं है। और फिर दोस्तों इनकी शिखा पांडे 3 मैच में 2 विकेट, और तारा नोरिस 3 मैच में 6 विकेट, लास्ट मैच में दोस्तों देखो इन्हें भी 1 विकेट मिला था। तो दोस्तों ये रहेगी आपकी दोनों टीमों की फुल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर अगर बात करें कि हमारे लिए दोस्तों ड्रीम 11 की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन कौन कौन सी प्लेयर रहेंगी, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सेफ ऑप्शन। दोस्तों आपको अपनी स्मॉल लीग टीम में ट्राई करना है, अगर आप लाइक हेड टू हेड 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर वाली लीग खेल रहे हो, तो आप देखो आप सेफ ऑप्शन के साथ आप देखो जा सकते हो। सेफ ऑप्शन आपके लिए मिग लेनिंग, एसले गार्डनर और एम कप जैसी प्लेयर रहेंगे, ठीक है। और अगर वहीं रिस्की ऑप्शन की बात कर लो, तो दोस्तों यहाँ पर अगर जी वेरम खेलती है जो कि एक बॉलर है, तो आप इन्हें ट्राई करना। और उसके अलावा दोस्तों शेफाली वर्मा जो कि दोस्तों ये दोनों प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग और मिनी जेल के लिए दोस्तों एक अच्छी खासी कैप्टन वाइस कैप्टन की सिलेक्शन है। इवन दोस्तों आप यहाँ पर चाहो तो जेस जॉनसन और एलिसा कैप्सी के साथ भी आप देखो जा सकते हो, वो भी देखो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का जीएल में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले टीम की, तो मेरे भाई देखो टीम में मैं कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, देखो यार मैं भी यहाँ पर ऑलराउंडर, और मैंने यहाँ पर थोड़ा बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करके चला है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप चाहो तो आप देखो विकेट कीपर में आप देखो किसी के साथ भी आप जा सकते हो, क्योंकि यार देखो दोनों ही विकेट कीपर लगभग नंबर 7 पे बैटिंग करने आएंगी, और मेरे हिसाब से देखो किसी की भी बैटिंग नहीं आएगी। बट यार देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मतलब गुजरात के साथ में गया हूँ, क्योंकि यार देखो गुजरात की टीम थोड़ी सी मतलब दिल्ली के सामने यार देखो थोड़ी सी वीक है, और कहीं ना कहीं देखो यार इनकी बैटिंग आ सकती है, ठीक है। तो बाकी आप चाहो तो आप इनके जगह तानिया भाटिया को भी आप ले सकती हो कैप्टन। तो दोस्तों देखो मेरे यहाँ पर एशले गार्डनर ही रहेंगे, जो कि आपको देखो एक प्रॉपर बैटिंग प्लस आपको बॉलिंग करके देंगी। वीसी दोस्तों देखो मैं यहाँ पर मैं मिग लेनिंग के साथ गया हूँ, जो कि दिल्ली की कैप्टन है। अगर आपको सेफ जाना है तो यहाँ पर आप चाहो तो दोस्तों अपनी टीम में एम कप को भी अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखो बना सकते हो, ठीक है। आगे यार देखो फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे भाई उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मेरे भाई आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे भाई देखो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके, ठीक है दोस्तों। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए देखो सभी भाइयों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।